कोई इस गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। धन्यवाद साहब। प्यार और पैसा दोनों दो, बस तुम मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दो। प्रीति, खाने को दो ना कचौरी। हाँ, ये लो खाओ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या प्रीति? मैं भला तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना। ये लो, एक काम करो, मेरे हिस्से का भी ना तुम ही खा लो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ना प्रीति, कई बार तो ऐसा लगता है कि तुम ना होती तो पता नहीं क्या। प्रीति, 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 प्रीति कहाँ चली गई तुम? प्रीति! अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी फैसला ले लिया। अब इसने सोचना ही क्या था, एक लाचार भिखारी पति और एक अच्छा दिखने वाला पैसे वाला लड़का, कोई भी लड़की इन दोनों में से ना अच्छे दिखने वाले पैसे वाले लड़के को ही चुनेगी। भिखारन हो लेकिन दिमाग, दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा। शुक्रिया। मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, उतार दो। क्या? अरे डरो मत, अभी के लिए अपना लुक बदलो, बाकी तो सब होता रहेगा। चलो। पता नहीं प्रीति कहाँ चली गई, दो दिन हो गए उसको गए हुए। कैसे हो करण? प्रीति, इस लड़के के साथ? प्रीति, प्रीति तुम कहाँ चली गई थी? मैंने दो दिन तुम्हें बहुत ढूंढा, और तुम इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो? और तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड? प्रीति ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे होते हुए तुम किसी लड़के को मेरे सामने ऐसे बॉयफ्रेंड बोल रहे हो? तुम जानती नहीं हो, तुम दो दिन मेरे साथ रहते तो मुझे कितनी परेशानी हुई है प्रीति। अच्छा, बस दो दिन में तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम परेशान हो गए, और मेरा सोचो जो 3,000 साल से हर रोज तुम्हारे साथ परेशान हो रही है, और ये जो दो दिन मैं तुमसे दूर हुई हूँ ना, कसम से मेरी जिंदगी में ना सुकून आ चुका। प्रीति चलो यार, भिखारी है ले पैसे दो, खुश हो जाएगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो भी तब जब हम सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। कल को जब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी तो मैं रानियों की तरह राज करूंगी। क्या क्या कहा तुमने? यही कि कल को जब हमारी शादी होगी, हम पति पत्नी बनेंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। प्रीतम कितने टाइम से साथ है? यही कुछ 6-7 महीने से। और तुम्हें अच्छे से पता है हमारी हर मीटिंग के बाद मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हारी इतनी औकात है। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ घर बसाऊंगा? अरे पागल हो गए क्या, वो पर्ची ठीक से पढ़ी नहीं थी? उसमें क्लियरली लिखा था कि मैं तुम्हें अपना प्यार और पैसा दूंगा और तुम मुझे अपना टाइम। तुमने मुझे अपना टाइम दिया और मैंने उसके बदले में तुझे प्यार और पैसा दिया, इससे तो और कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया। आई डोंट केयर, थोड़े पैसों के लिए तूने अपने पति को छोड़ दिया, कल को और पैसे वाला मिल गया तो मुझे भी छोड़ जाएगी। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियां होती कमी नहीं है, किसी की नहीं हो सकती, और मुझे भी नहीं चाहिए। अर्जुन, अर्जुन प्लीज नहीं, अर्जुन प्लीज तो मेरी बात तो सुनो, अर्जुन, अर्जुन एक बार बात तो सुनो, अर्जुन, 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 अर्जुन रुको मेरी बात तो सुनो। करण तुम? प्रीति जितना मैंने सोचा था ना, तुम तो उससे भी ज्यादा नीचे गिर गई। क्या हुआ, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया तुम्हारा? वैसे अच्छा ही हुआ, तुम इसी के लायक हो। पर करण तुम यहाँ ये कपड़े? हाँ, मेरी मेहनत की कमाई के हैं, तुम्हारी तरह हराम की कमाई के नहीं है। जब तुम मुझे छोड़ के गई थी तो सच कहूँ तो दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था, लेकिन मैंने अपने उस दुख को गुस्से में बदला और अपने बदले की आग को लेके बहुत मेहनत करी और काफी पैसे कमाए,
और एक छोटी सी दुकान कर ली। अब इतनी मेहनत करता हूँ कि इतना पैसा तो कमा ही लेता हूँ कि खुद को खुश रख सकूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितने पैसे तो नहीं कमाता, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि अब मुझे कोई लड़की ये बोल के तो नहीं छोड़ के जाएगी कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं एक भिखारी हूँ। ये पकड़ो पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। पर एक बात जरूर कह के जाऊंगा कि जो कोई अपनों की कदर नहीं करता ना, दुनिया में उसे कोई नहीं अपनाता। चलता हूं। दोस्तों, कई बार इंसान बुरा नहीं होता बल्कि उसका वक्त बुरा होता है। तो कभी भी किसी इंसान के बुरे वक्त में उसे छोड़ के ना जाए, क्योंकि वक्त को बदलते कभी वक्त नहीं लगता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।